नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पाकिस्तान के पेशावर से पंजाब आकर रह रहे सिख नागरिकों, विद्यार्थी परिषद और अधिवक्ता परिषद के वकीलों ने डीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के जिला प्रधान कुलदीप सिंह, अभिनव प्रकाश, शिव अरोड़ा ने कहा कि वह इस कानून का समर्थन करते हैं। इस बिल में किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं है। अधिवक्ता परिषद के वकीलों ने कहा कि ये कानून पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। असि भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने साढ़े बिल पास किया, सानू नागरिकता वास्ते आसानी मिली। और साडा पंजाब सरकार अमृतसर डीसी साहब नूं असीं धन्नवाद करना चाहते हाँ, तो अपील करना चाहते हाँ भी साढ़े लिए अमृतसर विच बिल जल्द तो जल्द पास किया जाए। जिहड़ा विरोध हो रहा है असीं उन्हां दा कोई भी असीं उन्हां नूं अपील करना चाहते हैं भी साडी तुसीं सहायता करो, साडे नाल तुसीं खड़े हो। अस तां भारत सरकार का धन्यवाद कर डीसी दफ्तर आए हैं, भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बिल पास किया होया है। तो असीं पंजाब सरकार नूं रिक्वेस्ट करते हैं कि वह भी बिल पास कर ताकि सानू झंझटा तो छुटकारा मिल सके। असं बहुत परेशान हाँ, यह वीज़ा लै लैके इतने रह रहे हैं, 22 साल हो गए सानू इतने आए नूं, उत्थे भी परेशान सा इतने भी परेशान हाँ। असं कहने कि यह बिल जल्दी जल्दी पास हो जाए ताकि असं अपना जन्म जिहड़ा जिंदगी नूं समझ सकी, अपना कारोबार नूं दस सकी। असं अज तक असं उत्थे ही पाकिस्तानी हाँ, शांत इतने ही पाकिस्तानी हाँ, असं हिंदुस्तानी बने ही नहीं हाँ। असं पेशावर शहर तो आए हैं। मुसलमान भाईचारे देखो जी, साढ़े सब साढ़े बस एक ही है कि असं किसी बारे कुछ कह नहीं सकते हैं, जिन्हें जिस आके उन्हें आग मिलना चाहिए। हम इधर 10 साल से रह रहे हैं, हम 2008 में आए हैं, हम पाकिस्तान पख्तूनख्वा प्रांत से, पहले उसका नाम सुबह सरहद था, अभी पख्तूनख्वा है और कजई जनसी ट्राइबल इलाके से आए हैं हम। हाँ जी, तो ये बात यह है कि जो जहाँ तक मुसलमान भाइयों की बात है, यहाँ जो मुसलमान भाई रहते हैं वो तो वैसे भी इंडिया में रहते हैं, जो बाहर से आए हैं तो उनको उनके तो अपने मुल्क हैं, है ना। हाँ, वो तो पहले बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो गया, ऐसे उनको अपने अपने मुल्क दे गए हैं। तो जो हम हैं तो हमारा, अगर हम वहाँ पे हम प्रताड़ित हो रहे थे धार्मिक तरीके से या कोई और हमारी प्रॉब्लम थी तो हम कहाँ जाते। हमारी तो इंडिया है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, यही हमारा भगवान का आसरा है, फिर हिंदुस्तान का आसरा है। तो हम इधर आए हैं तो हम बहुत मूल, हम गवर्नमेंट इंडिया से बहुत खुश हैं, भारत माता से, और जो मोदी सरकार है, अमित शाह जी है, वो क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं। सर, हम आए थे 2008 में पाकिस्तान से, तो अभी नागरिकता मिल रही है, बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद इंडिया सरकार की। और उधर से भी अगर वीजे लगाते हैं, हर साल वीजे लगाने की कचहरी जाओ, कचहरी से खुला जाता, आपके वीजे बढ़ाओ, वीजे ख़त्म हो गए, फिर वीजे इधर आ जाती कचहरी, तो मजबूरी है क्योंकि उधर से आए हैं, परदेसी बंदे हैं, इतना खर्चा भी नहीं होता हमारे से, रेडी लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, इसकी वजह से रोज कचहरी आना पड़ता था। कितने साल हो गए थानू इत्थे रहंदे होए ते जिहड़ा मोदी सरकार ने जिहड़ा कैब बिल कढ़िया जी उहदा विरोध करदे हो तुसीं, की समझदे हो तुसीं? हम हमारे इधर 11 साल हो गए, 11 साल आए हैं, तो हमको बहुत खुशी है कि हम नागरिकता मिल रही है। कुछ बीजेपी पार्टी वालों कुछ नुमाइंदे आए थे जेडे कि कुछ परिवारों की दे नाल उहदा मेमोरेंडम लेके आए हैगे। मेमोरेंडम मैं पढ़ लेता है, यह आप सरकार नूं भेज दांगे, उहदे उत्ते जो भी बनती कार्रवाई होगी वह सरकार के पद्धर से इन्हों डिसाइड करके करवा दिता जाए। इस उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ा लिखिया, जिस उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हक से काफ़ी सारी चीज़ा लिखिया है, सो इनू सरकार के पद्धर से एनालाइज करके उतो डिसीजन। पंजाब सरकार से उनकी मांग है कि यहाँ भी कानून लागू किया जाए। कानून को पंजाब में लागू करने के लिए सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीसी को सौंपा गया है। अमृतसर से न्यूज़ के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।